अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस पहुंच गई है लाला मौसा। हमने सफ़र शुरू किया था मुल्तान से सुबह 5:30 बजे और इस वक्त 1:30 हो गए। सफ़र शुरू किए हुए हमें 8 घंटे हो गए। मुल्तान से लाला मौसा हमने कवर किया था पार्ट 1 में। जाना है हमने पेशावर और लाला मौसा से ऑनवर्ड जितना सफ़र है वो हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। मुल्तान में हमारी ट्रेन सुबह 2 घंटे डिले से पहुंची थी और लाला मौसा पहुंचते पहुंचते इसको ऑलरेडी 2:40 तकरीबन डिले हो गया। आपकी मुलाकात अपने एक सब्सक्राइबर से करवाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर है हमारे और इसका अभी रंगों पे जा रही है। नहीं मैं लाला मौसा का गाना सुन रही हूं। आपकी माशाल्लाह वीडियो देखता हूं मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। शफीक साहब लाला मौसा घराने वाले हैं, ट्रैवल नहीं कर रहे थे, प्लेटफॉर्म पे आए हुए थे किसी काम से, तो अचानक उनसे मुलाकात हो गई। तो जब उन्होंने कहा कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मेरी वीडियोस तो ख़ुद मेरे घर वाले नहीं देखते। तो ना देखें अपना ही नुकसान करते हैं। आप लोग हैं ना ये चैनल देखने के लिए। ये है जाफर एक्सप्रेस, हमारे इंतज़ार में खड़ी थी 40 डाउन और ये अब चल पड़ी है। इसकी मंजिल है क्वेटा। ये सुबह 7 बजे निकली थी पेशावर से, जो कि आज हमारी मंजिल, और इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस। 47 अप का रूट देख लेते हैं। लाला मौसा के बाद ये पेशावर तक मेन लाइन 1 पे जाएगी। पिंडी तक इसका कोई और शेड्यूल स्टॉप नहीं है। पोठौर के खूबसूरत स्टेशन से गुजरती हुई पिंडी के बाद इसके 3 स्टॉप हैं, अटक पे, जहांगीरा रोड और नशहरा। उसके बाद ये तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र करती हुई यहाँ से पेशावर पहुँच जाए। इस रूट पे मैंने अटक तक सफ़र किया हुआ है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ जो उस सेक्शन के लिए, स्पेशली जो अटक से लेकर जहांगीरा रोड तक, जिसमें अटक खुर्द का खूबसूरत स्टेशन और फिर उसके बाद अटक ब्रिज है जो दरिया सिंध पर है। यार लोगों से बहुत तारीफ सुनी है उसकी, सुना है कि पहली नज़र में ही उस सीन से प्यार हो जाता है। लाला मौसा से निकलते हुए एसटी साहब से कुछ गपशप हो रही थी, उसमें मैं फिर डिपार्चर कैप्चर नहीं कर सका और इवन खारियां भी गुजर गया। तो अभी हम गुजरे हैं चूहा कड़ियाला स्टेशन से, इसके बाद आएगा सराय आलमगीर और फिर हम गुजरेंगे मेरा जेहलम के ऊपर से और फिर जेहलम स्टेशन को थ्रू पास करेंगे। अभी हम दरिया जेहलम के ऊपर से गुजर रहे हैं। इसका ब्रिज पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है। इसकी लंबाई 4 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है और ये 1878 में तामीर हुआ था। रेलवे ट्रैक के साथ साथ एक छोटा सड़क का ब्रिज भी बना हुआ है जो लाइट ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है। जेहलम सिटी में हम एंटर हो गए हैं और अभी जेहलम स्टेशन से गुजरेंगे। ये मेरा पहला थ्रू पास है, यहाँ से स्टॉप करके तो मैं गुजरा हूँ। देखते हैं कि थ्रू पास में ये स्टेशन कैसा लगता है।
कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जिनके प्लेटफॉर्म मेन लाइन के ऊपर ही बने होते हैं, अगर ऐसे स्टेशन से थ्रू पास हो, मतलब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल साथ से और स्पीडी थ्रू पास हो, तो वो बड़ा थ्रिलिंग होता है। अभी लूप लाइन के साथ प्लेटफॉर्म था तो मज़ा नहीं आया था। जेहलम और दीना के दरमियान एक और खूबसूरत स्टेशन, ये तकरीबन यहाँ पे यू टर्न बनता है, ट्रेन एक साइड से एंटर होती है स्टेशन बिल्डिंग के सामने से गुजरती है और फिर वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। गैंग्स काम कर रही हैं इसलिए थ्रू पास कल्लोवाल का स्टेशन से काफ़ी कम स्पीड में अराउंड 28-30 किलोमीटर पर आवर मौसम बहुत अच्छा है, बादल छाए हुए हैं। वक्त अभी हुआ है 2:20, लेकिन लग ऐसा रहा जैसे कि शाम हो गई। कल्लोवाल के बाद नेक्स्ट स्टेशन दीना है, वहाँ से हम थ्रू पास करेंगे। दीना के बाद हम कोठार के इलाके में दाखिल हो जाते हैं, ऊँचे नीचे छोटे छोटे पहाड़ सब्ज़ा हर तरफ और इन पहाड़ों के दरमियान बने हुए छोटे छोटे स्टेशन, उनकी एक अपनी अट्रैक्शन है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये दुमेली बकराना स्पेशली तरकी के स्टेशन में कभी क्रॉसिंग के लिए ट्रेन रुके, क्योंकि वहाँ पर ऑफकोर्स शेड्यूल स्टॉप्स तो नहीं है। के सरसब्ज स्टेशन से गुजरे हैं हम और अभी एक ब्रिज आएगा, उसे हमने नाम दे दिया 9 आर्चेज, उसके नीचे 9 आर्चेज बनी हुई हैं, समवट सिमिलर टू अ ब्रिज इन श्रीलंका। अभी हम बकराला के स्टेशन से गुजर रहे हैं, इसकी बिल्डिंग ऑफकोर्स दूसरी साइड पे है, यहाँ पे लूप लाइन बनी हुई है और इसके बाद एक लंबा कार्गो जिसे हॉर्स शू की शेप में बना हुआ है एक पहाड़ी को अवॉइड करने के लिए, उसमें से गुजरेंगे हम। उसके बाद तुर्की का स्टेशन आएगा। ये सारे बड़े खूबसूरत मनाजर हैं लेकिन मैं रियली एक्साइटेड हूँ अटक के बाद के जो सीन आने वाले हैं। मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है उस एरिया की और स्पेशली जो मैंने पहले आपको बताया कि अटक खुर्द स्टेशन की, तो बड़े एक यूनिक अंदाज़ में गैर पाकिस्तानी तरीके से बना हुआ, ऐसा लगता है जैसे कोई यूरोप का स्टेशन। और इसकी ख़ास बात यह है कि उसके साथ ही दरिया सिंध का ब्रिज है, अटक ब्रिज के नाम से वो जाना जाता है,
उसके ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तो एक बड़ी स्पेशल फीलिंग आती है। उम्मीद है कि हम दिन ढलने से पहले पहले उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। आई होप सो। जी ये है तरक्की का स्टेशन, वन ऑफ माई फेवरेट। इधर बंदा बस कुर्सी बिछा के बैठ जाए, चारपाई हो तो क्या ही बात है। सारा दिन ट्रेनें आते जाते देखे, मौसम अच्छा होना चाहिए। सोहावा टनल से हम गुजरे हैं और इसके बाद आएगा सोहावा का स्टेशन और ग्रेजुअली फिर हम मैदानी इलाके में दाखिल हो जाएंगे वापस। स्टेशन से अभी हम गुजरे हैं, बड़ा सरसब स्टेशन था और इसी तरह का एक और स्टेशन अभी आएगा मिस्सा किसवाल और एक और वन ऑफ माई फेवरेट स्टेशन गंगीला जो कि फिर गुजर खान के दूसरी तरफ आएगा। उसकी खास बात यह है कि वो हरा भरा सरसब्ज तो है लेकिन साथ में जीटी रोड भी गुजरती है तो वो भी एक अच्छा देखने वाला सीन होता है। तो गुजर खान के दोनों तरफ बड़े हरे भरे स्टेशन हैं। गुजर खान सिटी में दाखिल हो चुके हैं, स्टेशन भी आने वाला है। वक्त हुआ है शाम के 3:20 और डिले हमारा तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास चल रहा है। सूरज की रोशनी में ये सब्ज़ा काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इस तरफ आ गया हूँ दूसरी तरफ क्योंकि गंगेला स्टेशन को इधर से देखने का ज़्यादा मज़ा आता है जब जीटी रोड के साथ साथ रेलवे ट्रैक गुजरता है। रेलवे ट्रैक के इतना करीब से रोड का गुजरना आई थिंक इसके अलावा कहीं और पे देखने को नहीं मिलता। हाँ जी लूप लाइन ले ली हमने।
के हाला का स्टेशन, तो सामने से आ रही है 6 डाउन ग्रीन लाइन, जरा नीचे उतर के फिर उसका कैप्चर करते हैं क्रॉसिंग, तो सिग्नल उसका फ्लो नहीं है। सिक्स फाइव था ये, निकल गई है उससे हाला से। ये है हमारी 47। अभी इसका भी सिग्नल थ्रू हो जाएगा एंड देन विल टेक ऑफ और जाके स्टॉप करेंगे रावलपिंडी में। यहाँ से रावलपिंडी तक इनफैक्ट मोगड़ा शरीफ तक डबल ट्रैक है। शाम के 4:30 बजे हैं, सुबह 5:30 बजे हम निकले थे। 11 घंटे में हम पूरे रावलपिंडी पहुँचे हैं, डिले हमारा 3 घंटे से कुछ ऊपर। यहाँ पे लोकोमोटिव भी मेरा ख्याल है कि चेंज होगा। हमने क्या करना है यहाँ पे, करना है लंच, नमाज भी पढ़ेंगे और फिर आगे का स्पेशल सेगमेंट है वो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। जी ये है लंच पिंडी पे, दाल दनाल रोटी देसी का लाजवाब। पिंडी स्टेशन पे हमारी मुलाकात होगी एक और डाउन ट्रेन से, 12 डाउन अदारा एक्सप्रेस से, जो कि दोपहर को 2 बजे बलिया कैंट से चली थी, इस वक्त पिंडी पहुंची है। करीबन 4:50 हो रहे हैं। मैं डिपार्चर में मेरा ख्याल है कि अभी मज़ीद 10-15 मिनट लग ही जाएंगे। अभी पिंडी से आनवर्ड जो हमारा सफ़र है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है लाइक इस सेक्शन में। मैंने अटक तक तो सफ़र किया, लेकिन अटक से आगे टूवर्ड्स पेशावर मैंने सफ़र नहीं किया, तो आज ये पहला जर्नी है मेरा। आई एम रियली एक्साइटेड। ख्याल था कि दिन की रोशनी में पहुंच जाएगी, लेकिन पेशावर लगता है जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। एटलीस्ट स्टिल नौशहरा हमें दिन की रोशनी मिलेगी, तो उसे कवर करते हैं इंशाल्लाह। शाम को 5:10 पे रावलपिंडी से हमारा डिपार्चर हो रहा है। डिले वही 3 घंटे से थोड़ा ऊपर है। PHA चेंज हो गया, पहले 8303 था जो हमें फैसलाबाद से रावलपिंडी लेके आया, और रावलपिंडी में अब 8308 मिला है। ये प्लेटफार्म नंबर 2 है गालिबन, जहाँ पे महर एक्सप्रेस 128 डाउन रेडी है, ये भी मुल्तान जाने के लिए। ये कल सुबह तक 8 बजे मुल्तान पहुंचेगी। इसका रूट थोड़ा हटके है, ML2 से जाती है। ट्रेन को देख के हम सब के कैमरे निकल आते हैं, चाहे हम खुद मोटर बाइक पर राइड कर रहे हैं, तो हमारे दिलों में मोहब्बत तो छुपी हुई है, चाहे हम माने या ना माने।
गोलड़ा शरीफ पहुँच गए हैं। यहाँ से थ्रू पास करेंगे, पहला स्टॉप हमारा जाके होगा अटक में, इससे पहले गोलड़ा शरीफ व टैक्सलाज सारे स्टेशन से हम थ्रू पास करेंगे। गोलड़ा शरीफ जंक्शन स्टेशन मेरा द मोस्ट फेवरेट स्टेशन है और आज सूरज की इस नहरी रोशनी में कुछ और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये दरख्तों से छन के आती हुई सूरज की किरणें एक स्पेशल गोल्डन ग्लो दे रही हैं पूरे स्टेशन को। गोलड़ा शरीफ जंक्शन स्टेशन है, यहाँ से एक ट्रैक लेफ्ट पे जाता है बसाल जंक्शन की तरफ, जिस पे कुहाड़ पैसेंजर या महर एक्सप्रेस ट्रैवल करती है। गोलड़ा शरीफ से निकलने के बाद एक बार फिर थोड़ी स्पीड ली है ट्रेन ने और पिंडी के बाद मैं आ गया था इकोनॉमी क्लास में, काफ़ी खाली पड़ा हुआ है और आसानी से यहाँ से सफ़र को शूट किया जा सकता है। अभी एक हम टनल से भी गुजरेंगे संज्ञानी स्टेशन के बाद, संज्ञानी का स्टेशन भी बड़ा खूबसूरत सरसब्ज खुशकुन स्टेशन है। स्टेशन बेशक लाजवाब है लेकिन जो ख़ास वक्त है ये दिन का जिसमें सूरज की रोशनी ख़ास एंगल से पड़ रही है उसने इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया है। पहाड़ी इलाका उसमें से गुजरती हुई रोड, पल खाती हुई सड़कें और साथ में रेलवे ट्रैक। टैक्सला कैंट लेकिन ट्रेन लग रहा है रुक रही है, हो सकता है यहाँ पे कोई क्रॉसिंग हो। लेट मी चेक द स्टेटस। सामने से ट्रेन तो कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, ना रहमान बाबा ना अवाम ना खबर में ना ही जाफर, अंडरस्टैंडिंग थ्रू पास ही है, बस ज़रा स्लो होकर निकल रहे। एक्सला कैंट का हरा भरा रेलवे स्टेशन, यहाँ पे बगैर रुके हम निकल रहे हैं। आगे आएगा वाह, यहाँ से राइट साइड पे एक ट्रैक जा रहा है हवेलियाँ की तरफ जिस पर जाती है हजारा एक्सप्रेस और रावलपिंडी पैसेंजर आल्सो।
सनदाल से थ्रू पास इसकी मेन बिल्डिंग दूसरी तरफ है। एक खूबसूरत नई बिल्डिंग बनी है, ये साइड का व्यू भी अच्छा है। सामने स्टार्टिंग फकीराबाद स्टेशन, संजवाल अटक पहुंच गए। यार्ड में दाखिल हो गई है अभी, आवाज़ें निकालते भी प्लेटफॉर्म सीम्स टू बी ऑन द अदर साइड। इज इट? यस जी, अटक सिटी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 47 आप रहमान बाबा। आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर, आई विल गेट डाउन एंड ट्राई टू गेट वन। ट्रेन चल पड़ी है और अटक पे पानी की बोतल नहीं मिली। प्लेटफॉर्म नंबर 2 का दूसरे प्लेटफॉर्म पे टक शॉप थी एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो भाई साहब थे वो मौजूद नहीं थे। माई बैड लक, आई नीडेड सम वाटर। हाँ जी, मेरा बेटा बोल दे। अटक सिटी से रवानगी हो गई है, पानी नहीं मिला, कोई घर नहीं। Onward is an unknown territory for me. I've not traveled on this stretch. तो सुना ये है कि इसके बाद एक अटक फोर्थ स्टेशन आता है, वो भी जहाँ पे सफारी ट्रेन वगैरह ख़त्म होती है। और उसके बाद इंडस रिवर। सो दिस इज़ वन अट्रैक्शन आई एम एंक्शियसली वेटिंग फॉर टू एक्सप्लोर। सारा दिन सफ़र कर कर के शाम हो गई और दिमाग को चढ़ गई और अब उर्दू जो है वो गुलाबी इंग्लिश बन के निकल रही है। अटकपुर स्टेशन और अटक ब्रिज की बड़ी तारीफ सुनी है तो थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है एंटिसिपेशन, लेकिन जो अप्रोच है अटकपुर तक वो भी बड़ी सूदिंग और पीसफुल, और शाम का वक्त और ट्रेन बड़ी स्मूथ तरीके से चल रही है एक जेंटल स्पीड पे, और सूरज की किरणों का एक गोल्डन ग्लो, तो एंटिसिपेशन ही अटकपुर की बहुत अच्छी जा रही है।
सफर के सेक्शन में पूरे दिन के सफर की थकावट उतर गई। दिल तो यही चाह रहा है कि यह सफर इसी तरह जारी रहे। द ओनली कंसर्न आई हैव के अटक खुद स्टेशन पे हम दिन की रोशनी में पहुंच जाएं। मुझे ठीक से अंदाज़ा नहीं है कि वो यहाँ से कितनी दूर है। एक और खूबसूरत राइट टर्न, नहीं लेफ्ट टर्न। स्पीड काफ़ी कम हो गया है, आगे स्टेशन आ गया है, सिग्नल थ्रू का है। और फिर मुझे उम्मीद लगी है कि ये अटक खुर्द ही होगा। कॉशन स्पीड है 15 किलोमीटर एंड लुक्स लाइक कि हम इंडस रिवर के ब्रिज पे पहुंच गए। जी अटक खुर्द का रेलवे स्टेशन फाइनली आ गया है। यहाँ पे स्टॉप, ये तो हम स्टॉप कर रहे हैं। कुछ लोग खड़े हैं, पर उन्हें पिक करना है। मैं PLC पिक करनी थी बाय हैंड, वो भी ली गई है। जी फाइनली नैरो प्लेटफॉर्म, नेचुरल लुक दी है, पीछे पहाड़ है और अप्रोच कर्व्ड है। अभी मेन बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही। नैरो गेज के पुराने कैरेजेस खड़े हैं फॉर एग्जीबिशन पर्पज ओनली आई बिलीव। ये कैबिन है, ये भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का बना हुआ है। टेपर्ड छतें, कलरफुल बेंचेस, कुछ प्लांटेशन है। वाकई ये स्टेशन बिल्डिंग इज डिफरेंट, पहली नज़र में प्यार हो गया, सच कहा था किसी ने। और वो सामने दरियाए सिंध अटक ब्रिज। व्हाट अ व्यू! ये दरिया सिंध है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, यहीं से शायद आगे जाके मिल जाता है सनसेट के वक्त। अमेजिंग व्यू, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी जेंटल स्पीड पे ट्रेन गुजर रही है। कैमरा कैनॉट डू द जस्टिस टू द ब्यूटी ऑफ द सीनरी। नीचे दरिया किनारे पिकनिक मनाई जा रही है। Amazing feeling.
टनल से बाहर निकलते ही एक और खूबसूरत लेफ्ट टर्न। रोशनी फेड होती जा रही है एंड आई थिंक आई विल गो बैक टू माय कैबिन, जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं। और जो बाकी के स्टेशन हैं, जहांगीरा रोड, दशहरा, वो कल सुबह में जब वापस आना है 14 डाउन में तो उसमें प्रॉपरली कवर करेंगे। आइए आपको अपने बिजनेस क्लास के कैबिन की सैर करवाते हैं जिसका कब्ज़ा हमें पिंडी में आके मिला है। अटक के बाद से काशिफ भाई इसमें अकेले ही बैठे एंजॉय कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि कैबिन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें अंदर ही सामान रखने की जगह है, लेकिन जो कॉरिडोर है उसमें कोई सीट्स जो है इधर फोल्डिंग और ना ही दूसरी वजह कोई सीट भी अवेलेबल नहीं। करीबन पैसेज भी इतना नैरो है कि एक वक्त में एक ही शख्स गुजर सकता है। और जो दूसरा प्रॉब्लम है वो एयर कंडीशनिंग वाज जस्ट बेयरली इनफ, क्योंकि ये जुलाई का सख्त गर्म दिन होता तो शायद ये एसी काम ना करता। आज इतना ही था कि बस पसीना नहीं आ रहा था, बाहर से अंदर आते हुए कुछ फील हो रहा था कि एसी चल रहा, लेकिन बाद में डज नॉट चील यू नो वॉट आई मीन। तो दिस इज़ अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बड़ा आरामदायक गुजरा। एक पिंडी तक एक फैमिली थी, उनने भी कुछ अर्सा आराम किया। इसके बाद पिंडी के बाद एक दो लोग बैठे थे अटक पे भी आ रहा टावर वॉल। अब जहांगीरा रोड पर मेरा ख्याल है हम पहुँच गए, लेकिन बाहर काफ़ी लाइट डिम हो गई है। आगे जो स्टेशन हैं जहांगीरा रोड के बाद शहर आए एंड देन पेशावर सिटी एंड पेशावर गैंग, वो इंशाल्लाह हम कल के जर्नी में कवर करेंगे। कल हमें वापस आना है, आज रात हम पहुँचेंगे पेशावर स्टेज है। कल सुबह 14 डाउन में आएंगे तो इंशाल्लाह सुबह के वक्त बाकी के स्टेशन भी कवर करेंगे। तो काशिफ भाई ने भी इंजॉय किया, रेस्ट किया है। क्यों काशिफ भाई? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सफ़र था। हाँ जी, शहरा से गुजर रहे हैं सुबह, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप पेशावर सिटी है एंड पेशावर कैंट। फाइनली रात के 9 बजे हम पेशावर पहुंच रहे हैं। 4 घंटे का डिले है। ये ट्रेन कल दोपहर 12 बजे कराची से चली थी और 33 घंटे की मुसाफत के बाद पेशावर पहुंची। ये डब्बे कभी मुसाफरों से खचाखच भरे हुए थे और मंजिल पे पहुंच के अब खाली रह गए। इन्होंने अपना काम कर दिया। पेशावर में मौसम बहुत अच्छा है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, तो उम्मीद है कि हमारा स्टे भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। कल सुबह हमने वापस जाना है 14 डाउन में, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए सफ़र के साथ। दुआओं में याद रखें पाकिस्तान जिंदाबाद। चलते चलते कुछ स्टील्स मैंने लिए थे नौशहरा और पेशावर के स्टेशन पे, उनको इंजॉय करें। मुलाकात होती है बहुत जल्द इंशाल्लाह।